नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप रे, चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूलकिट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। सेल्स में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आप कोई भी लेवल में हो सकते हो, फ्रंट लाइन फील्ड वर्क कर रहे हो इस लेवल पे या सीईओ लेवल पे। अगर आपको ये जर्नी तय करना है तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। आज में उन क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, सेल्स में बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ चेस करना पड़ता है, हर दिन हमें गिर के उठना पड़ता है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ बुरा सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हमें टारगेट अचीव करना होता है। अगर हम लोग टारगेट नहीं अचीव करेंगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज अचीवमेंट ऑफ टारगेट इज द रीजन फॉर आवर रोल एंड आवर सोर्स ऑफ सर्वाइवल। तो ये कंसिस्टेंटली बार बार हर दिन कैसे करें, हर दिन ये टारगेट का अगर आप इसको बोझ समझते हो तो ये आप नहीं कर पाओगे। इंस्टेड यू शुड स्टार्ट डेवलपिंग दोज क्वालिटीज इनसाइड यू विच विल हेल्प यू अचीव द टारगेट्स। तो ये मैं तीन क्वालिटीज में आपको बताऊंगा जो आता है दूसरे प्रोफेशन से, और अगर ये तीन क्वालिटीज आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आपको ऊपर तक एकदम टॉप पोजीशन में जाने तक कोई नहीं रोक सकता। यह मैं लिख के आपको देता हूं। नंबर वन इज डिफेंस जैसा डिसिप्लिन, नंबर टू डॉक्टर जैसे डायग्नोसिस, एंड नंबर थ्री डिटेक्टिव जैसा दृष्टि। अगर ये तीन चीज हो तो कोई नहीं रोक सकता। आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज इन डिटेल थोड़ा थोड़ा करके। डिफेंस जैसा डिसिप्लिन, जैसे सेल्स में बहुत सारे वर्ड्स यूज होता है, स्ट्रैटेजी कहां से आया है, डिफेंस से आया है, प्लानिंग, ये सब चीज डिफेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, वही चीज हम लोग सेल्स में भी यूज करते हैं। अगर आप टाइम से कस्टमर के पास नहीं जाओगे, उनको कमिटमेंट जो दिया है वो नहीं रखोगे, उनका बात नहीं सुनोगे एंड अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंटली उनको फॉलो अप नहीं करोगे तो आपका सेल कन्वर्ट नहीं होगा। ये सारे खूबियां, ये सारे क्वालिटीज जो डिफेंस में भी अप्लाई होता है, कंसिस्टेंट, परसिवियरेंस, लगे रहना, हार्ड वर्क, टाइमिंग, डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस। तो ये नंबर वन हो गया। नंबर टू, डॉक्टर जैसे डायग्नोसिस, आपको कस्टमर को समझना है। हर कस्टमर को हर चीज आप नहीं बेच सकते, इम्पॉसिबल है। आपको समझना है कि उस कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वर्बली एंड थ्रू बॉडी लैंग्वेज, क्या वो आपका बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, ये पूरा समझ के फिर आपको कस्टमर को बेचना है। देन ओनली यू विल गेट अ लॉयल कस्टमर, और आपको ट्रस्ट भी करेगा, रेस्पेक्ट भी करेगा, यू विल गेट अ रिपीट परचेज एवरी टाइम। दिस इज नंबर टू। एंड नंबर थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाला चीज जो है मैंने देखा है कि हर एक वो जो सुपर सेल्समैन होता है ना उनके अंदर होता है, विच इज डिटेक्टिव जैसा दृष्टि। यही एक चीज है जो बहुत आगे ले जाएगा आपको। क्या है डिटेक्टिव जैसा दृष्टि? अब मार्केट में जा रहे हो, ऐसे ही सेल करने के लिए मत जाओ, देखो कैटेगरी में क्या चल रहा है, न्यू प्रोडक्ट, कंपटीशन क्या कर रहा है, सेल्स प्रमोशन, कुछ स्कीम्स, कुछ भी कंपटीशन कर रहा है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। You are there, eyes and ears of the company in the market. कोई नहीं बताएगा, कंपनी जब सर्वे करेगा ऐसा नहीं होता है। You are the person who will tell the company कि ये चीज हमारे मार्केट में, this is the trend, this is how we should also be working. ये अगर आप करोगे तो detective जैसा दृष्टि रखोगे तो then आप proactive बन जाओगे, पहले से ही आप तैयार रहोगे कोई भी चैलेंज के लिए, एंड यू कैन गेम विन द गेम वेरी 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 इजीली। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल यू। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं बिकॉज आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ फ्रंट लाइन स्टाफ एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑल्सो सीईओ लेवल के लोगों के साथ भी बात करता हूं, और जो भी सक्सेसफुल हुआ है सेल्स प्रोफेशन में, सब में ये सारे क्वालिटीज है, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू डेवलप दिस क्वालिटीज एज वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल हैव मोर वीडियोज। थैंक यू।